और ये जो दिन आज का दिन है साथियों, ये बहुत शानदार है। इसमें हम सब लोगों को अपने जीवन में एक निर्णय लेने की जरूरत होती है कि हम ऐस मुफारा के विजन के साथ अपने विजन को मिलाकर के 100% उनके एक एक चीज के साथ चलने के लिए अपने आप को रेडी रखें, ताकि हमारे जीवन में जो बदलाव हम लाना चाहते हैं वो बदलाव हम सबको मिले। मैं एक तरीके से ये भी कहूंगा, लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, मैं इसको अपने तरीके से एक बात कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस टीम का बिजनेस है, ये बिजनेस टोटल का टोटल ड्रीम बिल्डिंग का बिजनेस है। यहां से हमारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, और वो ड्रीम जो अभी कभी हमने ऑन पैसिव से पहले नहीं देखे थे, उतने बड़े बड़े ड्रीम्स वो सब आपके यहां से पूरे होने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि एक तड़प हम सब में है, लेकिन साथियों हमेशा जब कोई ट्रेन आकर के आउटर पर रुक जाती है तो तड़प और बढ़ जाती है, बेचैनी और बढ़ जाती है जब हम आउटर पर खड़े होते हैं ट्रेन में। इसी तरह से आज हम ऑन पैसिव के आउटर पर खड़े हैं तो जाहिर सी बात है हम सब में बेचैनी बढ़ी होगी, लेकिन इस बात की गारंटी है साथियों कि जो जब हम आउटर पे पहुंच गए हैं तो 100% प्लेटफार्म पर भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जब हमें सामने प्लेटफार्म दिखने लग जाता है और उससे पहले जब ट्रेन खड़ी होती है, जब हमें पता नहीं चल रहा होता है कि इस ट्रेन क्यों रुकी हुई और कैसे कब कितनी देर में पहुंचने वाली है, जब पता नहीं होता है तो उसी तरह की बेचैनी आज ऑन पैसिव में है हम सबके साथ। लेकिन उस बेचैनी को जब आप नॉलेज के साथ, जब आपको सामने प्लेटफार्म दिख रहा है, आपकी सफलता का प्लेटफार्म दिख रहा है, आपको अपने ड्रीम्स का प्लेटफार्म दिख रहा है, तो मुझे ये लगता है कि हम सब लोगों का विजन उस लेवल का होना चाहिए कि अब बहुत थैंक यू एस मुफारा सर, थैंक यू ऑन पैसिव कि हम आज आउटर पर खड़े हैं और बहुत जल्दी हम अपने उस सफलता के उस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं जिसकी कल्पना हमने की है, शायद कल्पना से भी बड़ी सफलता पर हम पहुंचने वाले हैं। साथियों आज के इस शुभ दिन में मैं आप सबके भविष्य की मंगल में कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय ऑन पैसिव एंड ओवर टू अजय शर्मा जी। थैंक यू सो मच अगेन जस्सी भाई और मांगेराम जी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ऑन पैसिव दिखाया। थैंक यू सो मच। यस अजय सर। यस यस यस, थोड़ा सा वो अनम्यूट नहीं हो रहा था ना, अनम्यूट कर रहा था। तो थैंक यू वेरी मच देवीलाल चौहान सर, आपने जिस खूबसूरत तरीके से बयां किया है कम शब्दों में, वो हमेशा सभी हम अपनी बात करें, हम आप सबकी आवाज सुन सुनकर जो है हमने सीखा है, और उसको सीख कर हम आज भी बहुत कुछ आपसे सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की अपने जीवन में जो है भरसक हम कोशिश भी करते हैं। तो ये आपका दिखाया रास्ता है जिन पे हम चल रहे हैं, और वक्त वक्त पे जब जब हमें लगा है कि हमें आपका साथ और मार्गदर्शन चाहिए तो वो भी हमें बराबर मिलता रहा है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये आशीर्वाद जो है बार बार मिलता रहता है, और हम चाहेंगे कि ये हमें बार बार मिलता भी रहे। तो धन्यवाद देवीलाल सर। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अब चलते हैं हमारे इस जो हमारी ट्रायो है इस जोड़ी के हमारे अगले पड़ाव पर, जो है हमारे सर मांगेराम जी, जिनका एक पैट हमारा डायलॉग है कि कल्पनाओं से परे। तो बिल्कुल ये सब कुछ जो आज मैं देख पा रहा हूँ, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो ये सब चीजें कल्पनाओं से परे थी, और आज ये सब चीजें पॉसिबल हो रही हैं। तो जोरदार जोश के साथ स्वागत करिए लेडीज एंड जेंटलमैन सर मांगेराम जी का। मांगेराम सर, द स्टेज इज ऑल योर्स, स्वागत है आपका। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर प्रॉपर? बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पे सभी उपस्थित मेरे भाई बहन, हमारे फाउंडिंग मेंबर, साथ साथ सफर शुरू किया, किसी का थोड़ा आगे थोड़ा पीछे शुरू हुआ, और हम आके मिले यहाँ पे, कुदरत ने हमारे को यहाँ पे मिलाया, और हम सभी लोग हमने एक दूसरे से सीखा। और यहाँ पे जो उपस्थित हैं, तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जस्सी भाई जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जिन्होंने मेरे को ऑन पैसिव दिया, हम मिले सब। और यहाँ पे रोहित शर्मा जी हैं,
अनूप कवांडे साहब है, मेरी बहन अर्चना, आबू ताहिर जी, अजय शर्मा जी, अमित दास जी, अमित रघु सर जी, देवलाल चौहान जी, दीपेन जी, मेरे बड़े भाई एलडी भगत साहब जी, संजय विश्वकर्मा, मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर हरप्रीत, कांतामणि जी, मधुमिता जी, राजेंद्र भटकर मेरे भाई, और आप सभी लोग, आप सभी सभी लोग, मैं आप सभी को आज के इस जो पर्व है गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी को। और वासवी, मैं जो नाम नहीं बोल पाया शायद, और कुछ मैं अगर नाम ना बोल पाया हूं तो मैं क्षमा चाहूंगा प्लीज उसके लिए। दोस्तों, अगर मैं आध्यात्मिकता की बात करूं तो आध्यात्मिकता में मैंने बहुत सारे जो है ना, बहुत जगह मेरे को जाने का मौका मिला। मैं उन सभी गुरुओं को जहां से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, हम उम्र भर तक सीखते ही रहते हैं, चाहे 100 जन्म भी ले लें, परफेक्ट तो बस ऊपर वाला ही होता है। तो उन सभी जहां मेरे को मौका मिला जाने का अध्यात्म में, मैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे प्रेजेंट जो मैं आध्यात्मिक गुरु जिनको एक्सेप्ट करता हूँ, ओशो जी, जिनसे मैं बड़ा कुछ सीखता हूँ, सीख रहा हूँ, उनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। ऋणी हूँ मैं उनका, मैं शायद उनका ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। और इस सफर में करीब 27-28 साल से हम, मैं अपनी बात करूँ तो नेटवर्किंग MLM में थे, तो सीखते ही रहे, बहुत सारे लोग मोटिवेशन क्या करे, बुक्स भी बहुत सारी बुक्स हैं जो हमारे जो गुरु रूप बनी हमारे को मिली, मेरे को मिली, सीखने का मौका मिला। और आज से करीब 4 साल या 3.5 साल पहले मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे मेंटर जस्सी भाई जी ने मेरे को गुरु रूप में आके ऑन द सिर दिया। और फिर ऐस को जब हमने जाना, अभी भी ऐस को हम, मैं तो पूरा नहीं जानता हूं क्योंकि वो बहुत कमाल के व्यक्तित्व हैं, और मैं उनके माँ बाप को भी बहुत प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसी एक शख्सियत को जन्म दिया। ऐसे अगर मैं अपने जो मेरा बिजनेस की या अपने मैं ये जो मैं काम कर रहा हूँ अभी ऑन पैसे या नेटवर्किंग की बात करूँ जो हम पहले करते थे, ऐसे आके प्रैक्टिकल बहुत सारा कुछ सीखने का मौका मिला। उनसे ना मिलके भी उनके काम करने के तरीके से, उनका बोलना, उनका सोचना, उनकी हर छोटी छोटी चीज इतनी प्रभावित कर गई कि पहले तो हम ये सुनते ही थे कि एक आदमी कुछ भी कर सकता है दुनिया में, और फिर ये शब्द भी निकले मुंह से कि चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। लेकिन ऐस जिनको मैं फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, जिनको शायद अगले कुछ दिनों में छू भी पाएंगे हम लोग उनको, जिन्होंने साक्षात कमाल किया है, प्रैक्टिकल बिल्कुल वही बात कल्पनाओं से परे उन्होंने कर दिया, तो मैंने ऐसे बड़ा कुछ सीखा। और अभी जो देवलाल मेरे बड़े भाई बात कर रहे थे कि मांगेराम जी मेरे गुरु रूप हैं, देवलाल जी भी मेरे गुरु रूप हैं। जब भी कुछ सुख या दुख की कुछ ऐसी कोई उदासी भरी बात या सीखने जैसी होती है तो हम फोन करके एक दूसरे को सीखते हैं। और जब सीखने की बात आती है, सभी हमारे गुरु हैं, उसमें
उम्र अंदाज नहीं होता है कुछ भी, छोटे बच्चे से भी हम कुछ भी सीख सकते हैं। और मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया करूंगा, आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत मान दिया, मतलब मैं आपका बड़ा ऋणी हूँ, ये मतलब हर तरीके से साथ दिया, मेरे दुखों को समझा, मेरी कोई ऐसी अगर मेरे जीवन में कोई पीड़ा आई, यार मैं ना बाद में बोल पाऊंगा प्लीज, अभी ना अजय जी है ना प्लीज। अजय जी कंटिन्यू करिए, मुझे लगता है ना वो अपना मांगेराम भाई इमोशनल हो जाते हैं जब इस तरह का कोई चर्चा चल रही होती है। चलिए चलिए, मैं चाहूंगा अजय भाई, हाँ जी हाँ जी, वो दोबारा कर लेंगे, थोड़े भावुक हो जाते हैं जब वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं। ऐसा कोई भी मौका जब होता है तो मांगेराम भाई और जसी भाई दोनों में ये एक शानदार क्वालिटी है जो एक भाव, एक्चुअली में ये एक बहुत शानदार इंसान की निशानी है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कंटिन्यू कर लीजिए नेक्स्ट को, तब तक मांगेराम जी दोबारा। थैंक यू थैंक यू।